अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दूर, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेवन सेमेस्टर, फोर्थ ईयर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन कंप्यूटर सॉरी नेटवर्क प्रोग्रामिंग। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो दिस इज अ पार्ट फोर एंड यूनिट फाइव, क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग। इसके पहले हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, थ्री वीडियो लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट नंबर फोर है। सो लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, रिट्रीविंग फील्ड फ्रॉम एन एचटीटीपी सर्वर। एचटीटीपी सर्वर से हम फाइल्स कैसे रिट्रीव करेंगे इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो कोई भी सर्वर होता है, वहां से अगर हमको कोई फाइल रिट्रीव करना होता है, रिट्रीव मीन्स पुनः प्राप्त करना होता है, तो हम कैसे उसको रिट्रीव करेंगे। सो टू रिट्रीव फाइल डेटा एन एप्लीकेशन सबमिट एन एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट टू द फाइल डेटा रिसोर्स दैट रिप्रेजेंट द डेटा फॉर द फाइल। इसमें क्या होता है, अगर किसी भी फाइल को हम रिट्रीव करना चाहते हैं, सो एप्लीकेशन सबमिट एन एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट, तो एक एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट होता है, उसमें फाइल डेटा रिसोर्स के लिए हम क्या करते हैं, कोडिंग किया रहता है और जो कि रिप्रेजेंट करता है डेटा फॉर द फाइल, फाइल के लिए जो डेटा रहता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम गेट एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट के थ्रू एप्लीकेशन जैसे सबमिट करते हैं तो वो जो फाइल डेटा होते हैं सर्वर से उसको रिट्रीव कर लिया जाता है। सो रिक्वेस्ट फर्स्ट यूआरएल, द यूआरएल दैट रिप्रेजेंट्स द फाइल डेटा रिसोर्सेज। तो ये जो यूआरएल होता है वो फाइल डेटा रिसोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट रिप्रेजेंट्स फाइल डेटा रिसोर्सेज, द यूआरएल बींग्स विथ एचटीटीपीज एस। जो यूआरएल जो होता है स्टार्ट होता है एचटीटीपी एस से, एचटीटीपी मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस मीन्स सिक्योरिटी। सो एपीआई डॉट, दिस इज अ वेबसाइट नेम, यस सुगर sync.com, सो दिस इज अ वेबसाइट नेम, फाइल कॉमा एंड एंड्स विथ स्लैश डेटा। तो अगर हमें कोई भी वेबसाइट है, सर्वर है, वहां से अगर हमको फाइल ढूंढना है, रिट्रीव करना है, तो हम इस तरह से फाइल को टाइप करेंगे यूआरएल बार पे, देन वो सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल https api sugar sync.com, SYNC means synchronous.com, फाइल लिखेंगे, देन दिस इज अ हाइपर टेक्स्ट एड्रेस, देन दिस इज अ डेटा। सो ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से अगर हमें कोई भी फाइल सर्च करना रहता है तो हम https जो URL बार होता है वहां पे हम उसको टाइप करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड, गेट इज अ मेथड। जो गेट होता है वो एक मेथड होता है, उसी के थ्रू रिक्वेस्ट क्या किया जाता है, सेंड किया जाता है सर्वर के पास। सो ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस टोकन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द एचटीटीपी रिक्वेस्ट हेडर। सी क्रिएटिंग एन एक्सेस टोकन फॉर डिटेल रिक्वेस्ट हेडर, द रिक्वेस्ट हेडर इंक्लूड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो रिक्वेस्ट हेडर होते हैं वो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो किस तरह से इंक्लूड रहेगा, हेडर रिक्वेस्ट कैसे करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले फील्ड है यहां पर, दिस इज अ फील्ड एंड दिस इज अ डिस्क्रिप्शन। सो फर्स्ट ऑथेंटिक ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन मीन्स क्या होगा, द एक्सेस टोकन्स। अगर हम फील्ड पर बात कर रहे हैं ऑथराइजेशन का, तो ऑथराइजेशन मीन्स क्या होगा, एक्सेस टोकन, टोकन दिया जाएगा जिससे आप कोई भी सर्वर से फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट फील्ड इज यूजर एजेंट। यूजर एजेंट मीन्स द क्लाइंट एप्लीकेशन। जो क्लाइंट एप्लीकेशन रहते हैं वो इंप्लीमेंटिंग द नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर।
जो क्लाइंट और सर्वर रहते हैं उसके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हम क्लाइंट एप्लीकेशन में नेटवर्क प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये होता है फील्ड ऑफ यूजर एजेंट। एंड थर्ड फील्ड इज अ होस्ट। व्हाट इज होस्ट? होस्ट मीन्स क्या है? द डोमेन नेम ऑफ द सर्वर। जो सर्वर का डोमेन नेम रहता है दैट इज कॉल्ड होस्ट, उसको होस्ट कहा जाएगा। द डोमेन नेम इज ऑलवेज api.sugarsynchronous.com। तो इस तरह से ये क्या है आपका एक एग्जाम्पल है वेबसाइट का जो रहता है www.google.com, इस तरह से अगर हो गया। या API, API means application programming interface होता है, तो इस तरह से sugarsynchronous.com। तो बहुत सारे अलग अलग applications होंगे, होस्ट होते हैं। तो डोमेन नेम इज ऑलवेज api.sugarsynchronous.com। तो ये हमारा जो है ये हमारा होस्ट डोमेन नेम है। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हम HTTP जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं उसमें हम कैसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गेट जो मेथड होते हैं उसको हम यूज करेंगे। गेट मेथड जो होता है वो रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए सर्वर तक। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिंक में HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखेंगे, /API, यहां पर डोमेन का नाम लिखेंगे, डोमेन नेम है ये api.sugarsynchronous.com जो है, यहां पे हम फाइल लिखेंगे, देन इस तरह से जो भी आपका एड्रेस है वो लिखेंगे, देन डेटा। सो ये गेट मेथड के थ्रू क्या होगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर में वो जो फाइल है उसको वहां पर सर्च किया जाएगा और सर्च करने के बाद हमको रेस्पॉन्ड करेंगे। देन http/1.1 ऑथोराइजेशन, तो इस तरह से ये लिखेंगे गेट में। देन ऑथोराइजेशन, ऑथोराइजेशन में हम https यहां पर डोमेन का नाम लिखेंगे, देन ऑथोराइजेशन लिखेंगे, देन इस तरह से हमारा जो एड्रेस है इस तरह से एड्रेस रहेगा। तो इस तरह से ऑथोराइजेशन का प्रोसेस होता है, ये गेट का प्रोसेस होता है। देन थर्ड वन इज अ यूजर एजेंट, दिस इज अ फील्ड, गेट फील्ड, ऑथोराइजेशन फील्ड, यूजर एजेंट फील्ड। तो ये हमारा यूजर एजेंट फील्ड है, जो यूजर के जो एप्लीकेशन रहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, कर सकते हैं। सो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ HTTP रिक्वेस्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट, रिट्रीविंग वेब डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द URL क्लास। हम वेब डॉक्यूमेंट को कैसे रिट्रीव करेंगे, बाय यूजिंग द URL क्लास। जो URL क्लास रहते हैं उसका यूज करके हम वेब डॉक्यूमेंट को कैसे रिट्रीव करेंगे, ये टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वेब डॉक्यूमेंट पता होना चाहिए। वेब डॉक्यूमेंट मतलब अगर आप इंटरनेट की दुनिया से अगर आप एक बार जुड़ जाते हो, इंटरनेट यूज करने के लिए एक्सेस मिल जाता है आपको, तो इंटरनेट में आप बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसको आप सर्च करना चाहते हैं। तो उसको सर्च करेंगे तो URL क्लास का यूज करके आप उसको कैसे सर्च करेंगे, आप तो डायरेक्टली लिख देते हैं, आप तो डायरेक्टली लिख देंगे URL एड्रेस बार में www. जो भी आपको सर्च करना है वो लिख देंगे। लेकिन वो जो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, कैसे वो वेब डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव करते हैं, ये हमें जानना है। इसके लिए द URL क्लास इज द गेटवे। जो URL क्लास जो रहता है वो एक गेटवे होता है टू एनी ऑफ द रिसोर्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। जितने भी इंटरनेट में अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको प्राप्त करने का एक क्या है, गेटवे है URL क्लास। URL क्लास रिप्रेजेंट्स अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो URL जो रहते हैं वो रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, विच इज अ पॉइंटर टू अ रिसोर्स
ऑन द WWW वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक रिसोर्स रहता है और वो एक तरह का पॉइंटर होता है, पॉइंट आउट करता है। मतलब मान लो अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को अगर मैं क्वेश्चन करूं तो मुझे स्पेशली उसका नाम या रोल नंबर से पॉइंट आउट करना पड़ेगा। अगर मैं नाम से पॉइंट आउट करता हूं तो हो सकता है उस नाम के उस क्लास में दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा स्टूडेंट हो तो प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए मैं उसको एक स्पेसिफिक नाम से क्या करूंगा, रोल नंबर से मैं पॉइंट आउट करूंगा, यूनिक आईड, उसका यूनिक। तो उसी तरह से URL क्या होता है, यूनिक होता है, जो कि क्या करता है, पॉइंट करता है, पॉइंट आउट करता है कहां पर, वर्ल्ड वाइड वेब पर। और क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब भी बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, फाइल्स रहते हैं, जिसमें से आपको पर्टिकुलर उसी को ढूंढना है जो आपको चाहिए। तो आप ऐसा तो नहीं कि कुछ भी लिख देंगे URL में, स्पेशली पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, एक पॉइंटर होता है जो कि रिसोर्स ऑन द WWW। अ रिसोर्स कैन पॉइंट टू अ सिंपल फाइल और डायरेक्टरी। जो रिसोर्स रहते हैं वो एक सिंपल फाइल को पॉइंट करता है और डायरेक्टरी को भी पॉइंट आउट करता है। और इट कैन रिफर टू अ मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट, और ये जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट को भी रिफर करता है, सच एज क्वेरी टू अ डेटाबेस और टू अ सर्च इंजन। अब जो रिफर कैसे करेगा, कैसे सिंपल फाइल या डायरेक्टरी को पॉइंट करेगा, उसके लिए क्वेरी लगा रहता है, डेटाबेस में क्वेरी लगाते हैं, क्वेरी के थ्रू क्या किया जाता है, सर्च किया जाता है, ठीक है। सर्च इंजन भी एक तरह का उसी तरह से वर्क करता है। आप किसी भी पर्टिकुलर कोई भी फाइल को अगर ढूंढना चाहेंगे तो क्वेरी लगाएंगे, ऐड करना चाहेगा तो इंसर्ट क्वेरी, अपडेट करना चाहेंगे तो अपडेट क्वेरी, डिलीट करने के लिए डिलीट क्वेरी। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं जिसका यूज करके हम अलग अलग वर्क के लिए यूज करते हैं। तो ये हुआ हमारा रिट्रीविंग वेब डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग द URL क्लास। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज URL। अब URL क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। सो एज मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इज अ स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट दैट आइडेंटिफाइज ऑल द रिसोर्सेस ऑन इंटरनेट टेलिंग अस द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स, हाउ टू कम्युनिकेट विथ इट एंड रिट्रीव समथिंग फ्रॉम इट। इसका मतलब हमको पता है URL जो होता है वो एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL एक टेक्स्ट का मतलब स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट होता है जो कि आइडेंटिफाई करता है ऑल द रिसोर्सेस ऑन द इंटरनेट, जितने भी इंटरनेट में रिसोर्सेस अवेलेबल है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, पता लगाने के लिए एक टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है, सेट होता है, जिसको स्ट्रिंग कहा जाता है। एंड टेलिंग अस द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स, जो कि उस रिसोर्स को जिसको आपको सर्च करना है उसको उस एड्रेस में पुट करके हम क्या करते हैं, बताते हैं उसको कि हमको ये रिसोर्स, ये एड्रेस हमको चाहिए। सो हाउ टू कम्युनिकेट विथ, कैसे हम उसके साथ बात करेंगे, एंड इट रिट्रीव समथिंग फ्रॉम इट, कैसे हम उसको रिट्रीव करेंगे, ये हमको जानना है। तो इसके लिए हम सिंपल सा एक URL यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर HTTP जो होता है एक प्रोटोकॉल होता है। अगर आप कोई भी चीज जो है इंटरनेट में सर्च करना चाह रहे हैं, कोई भी रिसोर्स को एड्रेस के थ्रू बता रहे हैं कि हमको ये वाला एड्रेस चाहिए, हमको सर्च करके दीजिए, URL को बोलेंगे। तो URL में सबसे पहले प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP जिसको बोलते हैं। उसके बाद डबल स्लैश रहेगा
यहां पर आपका होस्ट मशीन रहेगा। होस्ट मशीन मतलब जो आप सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि www.google.com सर्च करना है, www.igkv.com, csv2.com, इस तरह से bharatikollege.org, ये अगर सर्च करना चाहते हैं तो दिस इज अ होस्ट मशीन, ये होस्ट मशीन होता है। एंड वहां से आप क्या फाइल सर्च करना चाह रहे हो, सिलेबस डाउनलोड करना चाह रहे हो, या फिर कैलेंडर डाउनलोड करना चाह रहे हो, या फिर रिजल्ट देखना चाह रहे हो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाह रहे हो, जो आप डाउनलोड करना चाह रहे हो वो इस होस्ट मशीन के बाद स्लैश करके यहां पर लिखेंगे। तो हाउ टू डिजाइन अ टिनी यूआरएल और यूआरएल शॉर्टनर, इस तरह से ये फाइल का नाम है। अगर आप भी उस तरह का फाइल का नाम अगर सर्च करना चाहते हैं तो वो फाइल का नाम आप यहाँ पे दे सकते हो। तो सिंपल इस तरह से हम यूआरएल में क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। सो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट।